अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ शाद रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अमीर मोहतरम अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब की रिहाई के मुतालिक ये खबर है। ज़राए के मुताबिक 99% आज अमीर मोहतरम अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब की रिहाई हो जाएगी अगर हुकूमत कोई बगैरती नहीं करती। जितने भी अमीर मोहतरम अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब पर केस थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे। सिर्फ एक बाकी था कि आपका फोर्स ड्यूल के अंदर नाम था, तो आज वो फोर्स ड्यूल का जो सिलसिला था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। आपका फोर्स ड्यूल से नाम निकाल दिया गया है। अब अमीर मोहतरम अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब पर कोई भी केस बाकी नहीं रहा और आज अमीर मोहतरम अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब ज़राए के मुताबिक रिहा हो जाएंगे और इंशाल्लाह कल वो जुमा मस्जिद रहमतुल आलमीन के अंदर कारकुनान के साथ अदा करेंगे। तो तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि वो दुआ करें, इंशाल्लाह वो चांद तुलू होने वाला है जिसको देखने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान क्या, मैं क्या, पाकिस्तान क्या, बल्कि पूरी दुनिया बेताब बैठी है और वो अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब का दीदार करना चाहती है। तो इंशाल्लाह अमीर मोहतरम अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब आज रिहा हो जाएंगे अगर हुकूमत कोई बगैरती नहीं करती, क्योंकि आप पर सारे के सारे पर्चे हटा दिए गए हैं। बस फोर्स टूर के नाम बाकी था, उसको भी आपके नाम को भी निकाल दिया गया है फोर्स ड्यूल से और इंशाल्लाह मेरे मोहतरम अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब कल जुमा कारकुनान के साथ मस्जिद रहमतुल आलमीन के अंदर अदा करेंगे लबैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।